अस्सलाम वालेकुम तलबा, 10th क्लास उर्दू बी तफहीम इबारत है। तफहीम इबारत के हवाले से ये बात जहन में रखें कि बहुत आसान सवाल है और 10 नंबर का अहम सवाल भी है। इस सवाल में आपको बोर्ड के पेपर में एक इबारत दी जाएगी और उसके अंदर उसी के इबारत के अंदर से आपसे सवालात के जवाब पूछे जाएंगे। बहुत आसान है और तफहीम इबारत के लिखने का जो पैटर्न है, जो आप जवाबी कापी पर लिखेंगे, वो मैंने सामने तहरीर कर दिया है। ये तफहीम इबारत की हेडिंग आपने नहीं लिखनी, ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखे ताकि आपको पता चल जाए कि ये आज की वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं। लिखने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले अपनी जवाबी शीट पर सवाल नंबर आप लिखेंगे और इबारती जवाब, यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, इबारती सवाल के जवाब और इस तरह की बहुत सारी बातें लिखते हैं, तो इबारती जवाब एक मुख्तसर और अच्छी हेडिंग है जो आप अपनी जवाबी शीट पर लिख सकते हैं। उसके बाद मुख्तसर सवालात लिखने का जो तरीका मैंने आपको समझाया था, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप इसके शॉर्ट आंसर्स लिखेंगे। सबसे पहले उस क्वेश्चन की नंबरिंग करें, नंबर वन, उसके बाद उसकी हेडिंग ज़रूर लिखें और बहुत मुख्तसर सी, चूँकि इबारतें हैं इतनी ज़्यादा नहीं हैं, 10 से 15 इबारतें हैं कुल, तो उनको अगर अच्छी तरह से याद कर लिया जाए, उनके सवालात की हेडिंग्स देख ली जाएँ, तो ये बहुत ही आसानी के साथ 10 नंबर हासिल किए जा सकते हैं। मसलन मैंने बिल्कुल पहली इबारत ली है और इस इबारत में जो है वो पंजाब के वाले से बात की गई है कि जब गजनी के बादशाह के साथ राजा जयपाल की लड़ाई हुई थी, तो उस दौरान जो है वो उसके जो सवालात इस इबारत में पूछे गए हैं उनकी मैंने दो हेडिंग्स बनाई हैं। मसलन पहले सवाल की हेडिंग है कि पंजाब की हदूद कहाँ तक फैली हुई थी, तो मैंने उसकी हेडिंग लिखी पंजाब की हदूद। और जैसे ये आंसर कम्प्लीट होगा तो आपने सेकेंड आंसर लिखने से पहले दो लाइनें छोड़नी है और फिर यहाँ आपने सेकंड आंसर का नंबर देना है, उसके बाद उसी तरह से उसकी हेडिंग एंड सो ऑन। तो अगर आपने मुख्तसर जवाबात की वीडियोस जो मैं पहले आप लोगों को मुख्तलिफ जगहों पे अपने आपके लेसन्स में समझा चुका हूँ, अगर उसको अच्छी तरह से समझ लिया तो उसके जवाबात लिखने में कोई आपको दुश्वारी नहीं होगी। अलबत्ता सिर्फ ये इबारती जवाबात का लफ्ज़ जो है ये इजाफी आप उसमें ऐड करेंगे। तो आप अब इस पैटर्न को देखते हुए पहली जो इबारत है उसको अच्छी तरह से उर्दू बी से याद कीजिएगा और फिर जवाब याद करने के बाद उन्हें अपनी नोटबुक पर लिखें ताकि बोर्ड में आप आसानी से अच्छे नंबर हासिल कर लें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर।